नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दिगंबर जैन परंपरा के विख्यात कर्णाचार्य पुष्पा दंत सागर जी महाराज, बकर प्रखर प्रवक्ता संत क्रांतिकारी जैन मुनिश्री प्रतीक सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में और आचार्य धर्मभूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में 21 और 22 नवंबर को कोरोना महामारी की शांति हेतु विश्व कल्याण के लिए 108 मंडली भक्तामर महामंडल विधान दीपोत्सव यज्ञ वेवन पिछी परिवर्तन समारोह का भव्य आयोजन विशाल धर्मशाला सोनागिर के किया जाएगा। ये जानकारी आज संत श्री प्रतीक सागर जी महाराज ने सोनागिर में पत्रकार से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर मुंबई द्वारा कराया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ 21 नवंबर को दोपहर 2 बजे भट्टराकर कोठी से जैन मुनि संघ के प्रस्थान से होगा। शाम 6 बजे चंद्र प्रभु सभा से संगीतमयी भक्तामय दीपोत्सव संगीतकार महेंद्र एन पाची पाली द्वारा किया जाएगा। 22 नवंबर को प्रातः 8 बजे भव्य देव शास्त्र गुरु जुलूस निकाला जाएगा जो सोना सागर के प्रमुख मार्गों से होकर निकलेगा और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। कोरोना महामारी की शांति के लिए जो है कल शाम से ही आराधना और उपासना इस प्रांगण में प्रारंभ होगी। कल जो है भक्तांगण दीपोत्सव का कार्यक्रम जिसमें जो है महेंद्र एन पाटी पाली द्वारा जो है संगीत में असंख्य दीप जला करके उस कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। 22 तारीख की सुबह 8 बजे जो है देव शास्त्र गुरु भव्य जुलूस निकाला जाएगा। तत्पश्चात जो है यहाँ पर मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ होंगी जिसमें ध्वजारोहण इस मंडप की शुद्ध प्राश्व जल से जो है शुद्धिकरण और दोपहर में 1:12 बजे जो है यहाँ पर 108 मंडली भक्तांबर महामंडल विधान का आयोजन होगा जिसमें 188 बीज मंत्रों को स्मरण किया जाएगा। 108 बीज मंत्रों द्वारा भगवान आदिनाथ के मस्तक पर मां शांति धारा होगी और साथ ही जो है दिगंबर जैन मुनि अपने पास कुछ नहीं रखते हैं लेकिन पिछी उनके पास रहती है। उस दिन जो है नवीन पिछी जो है दिगंबर मुनियों को भेंट की जाएगी जो जीवों की रक्षार्थ, इसलिए पिछी परिवर्तन का एक विशेष कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात जो है तत्पश्चात जो है शाम 6 बजे जो है 1008 दीपों से जो है भगवान की महा आरती की जाएगी। इस तरह से जो है उस भगवान से प्रार्थना और आराधना की जाएगी कि आप जो है इस कोरोना महामारी से सारे विश्व को निजात मिले और जो है लोगों के मन में हंसी खुशी और प्रसन्नता के वातावरण का निर्माण। जी तो क्या ये उचित है कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए? धर्म से आशय समुदाय से नहीं है। धर्म समुद्र है, राजनीति कुआ है, तो कुएं को सागर में समाहित होना होता है ना कि सागर को कुएं में समाहित किया जाता है। उनके लिए हम क्या कहेंगे जी? जो संविधान निर्माता थे जी, जिन्होंने धर्म को अलग किया है राजनीति से जी, तो धर्म तो अलग है, बाप को तो अलग रहेगा ना, बेटे के साथ उसकी माँ कैसे दी जा सकती है? राजनीति मैं यहाँ तक समझाऊंगा, आपसे बहस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धर्म आधारित राजनीति होना चाहिए। धर्म आधारित राजनीति होना चाहिए, धर्म का आधारित होना चाहिए, धर्म आधारित, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। राजनीति में धर्म होना चाहिए लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए।